अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर नवीन मजीद है। आज मैं आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। अब आपके जहन में पांच क्वेश्चंस पैदा होते हैं। नंबर वन, कि ये सोलेनोइड क्या होता है। नंबर टू, कि सोलेनोइड में जब करंट फ्लो होता है तो उससे फील्ड किस शेप की और किस तरह पैदा होती है। नंबर थ्री, के उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। नंबर फोर, के उस फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। और नंबर फाइव, के इस टॉपिक की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। अब सबसे पहले सोलेनोइड की जो टर्म है वो सबसे पहले एक फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड्रे मारी अम्पेयर ने 1823 में यूज की थी। एंड्रे मारी अम्पेयर उन 72 साइंटिस्ट में शामिल है जिनका नाम फ्रांस के शहर पेरिस के एफल टावर पर कंधा है। आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम करंट्स की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सोलेनोइड एक ऐसा कॉइल होता है जिसकी लेंथ उसकी टर्न्स के डायमीटर से ज्यादा होती है। अमूमन ये कॉइल सिलेंड्रिकल होता है। जैसे ही मेरा मार्कर सिलेंड्रिकल है, अगर मैं इसके ऊपर कॉइल लपेट दूं तो वो सोलेनोइड है, और ये जो मार्कर है ये कोर ऑफ सोलेनोइड है। अगर मैं कॉइल लपेटने के बाद इस कोर को बाहर निकाल लूं तो जब कोई कोर ना हो तो उसको एयर कोर सोलेनोइड भी कहा जाता है। अब सोलेनोइड सिलेंड्रिकल कॉइल इस शेप में होता है, और ये देखिए इसकी टर्न्स है। अगर आप गौर से देखें तो इन टर्न्स का डायमीटर ये है और लेंथ उससे ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि जो लेंथ है वो इन टर्न्स के डायमीटर से ज्यादा है। अब ये जो सोलेनोइड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट जो कि अमूमन कोर्स की शक्ल में जमीन में पाया जाता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें आप स्टील वगैरह के ऊपर सोलेनोइड यानी कॉइल को वाउंड करते हैं और उस कॉइल में हाई करंट पास करते हैं और उससे वो स्टील मैग्नेट बन जाता है। इसकी डिटेल हम आपको चैप्टर 17 में आपको बिठाएंगे। इसी तरह ये जो सोलेनोइड है ये इंडक्टर्स में भी यूज होता है, जो कि आप चैप्टर 15-16 में पढ़ेंगे। इसी तरह ये एंटीनास में भी यूज होता है, जो रिसेप्शन और ट्रांसमिटिंग एंटीनास होते हैं जो मुख्तलिफ वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, ये भी आप चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये लॉकिंग सिस्टम्स में भी यूज होता है। अब ये तो तीन सवाल रह गए हैं कि इसकी फील्ड कैसे पैदा होती है, उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। इन तीनों सवाल का जवाब अब हमें चाहिए। पहले देखिए कि ये आपने सोलेनोइड बनाया, अब वो लाइन जो तमाम टर्न्स के सेंटर से गुजरेगी उसे आप एक्सिस ऑफ सोलेनोइड का नाम देते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है, ये डॉटेड लाइन। अब आगे मजीद आपको समझाने के लिए मुझे आपको 10th क्लास की कुछ बेसिक्स बतानी पड़ेगी कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, और आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा हो कि बार मैग्नेट के अंदर फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है, बाहर निकल के नॉर्थ टू साउथ होती है। ये बेसिकली साइकिल कंप्लीट। आपको जब 17 में ये भी पता लगेगा कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अंदर पैदा होती है और फिर वो बाहर निकलती है, और ये साइकिल कंप्लीट होता है। अगर अंदर भी नॉर्थ टू साउथ हो तो बार वाली फील्ड को कैंसिल कर देगी। अब अगर आप गौर से देखें तो बार मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस बड़े क्लोज है और बार मैग्नेट से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी दूर है, तो यहां पर फील्ड वीक है, विद इन द बार मैग्नेट स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस क्लोज है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर आप रिलेटिव बात करें तो बाहर वाली फील्ड बार मैग्नेट के इनसाइड वाली फील्ड की निस्बत निग्लिजिबल है और हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब ये जो सॉलिनाइड है इसको हम थर्ड डायमेंशन कुछ आपके लिए लेते हैं, और थर्ड डायमेंशन कुछ इस तरह लेते हैं कि लेट अस सपोज कि इस तरह सॉलिनाइड है। अब आप समझिए मेरा हाथ जो है ये बोर्ड है, इस तरह आपको आपका वर्टिकल बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं। तो सोलेनोइड की हर टर्न में देखिए बोर्ड के ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे से करंट अंदर जा रहा है। जब अगली टर्न शुरू होती है
तो फिर करंट ऊपर से बाहर आता है, नीचे से अंदर जाता है। मैं एक बार फिर आपको ये बता दूं कि अगर देखिए ये सोलेनाइड है और ये उसकी टर्न्स है, आपने सोलेनाइड थर्ड डायरेक्शन में इजेड एक्सिस की तरफ लिया हुआ है और इसमें जो करंट है वो मैंने अगर मेरे सामने क्लॉक है तो उसके लिहाज से ये क्लॉक वाइज है। तो ये ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, हर टर्न में अदर टर्न इस तरह बोर्ड से बाहर है, अदर टर्न बोर्ड के पीछे है। अब हर टर्न में एक मरतबा करंट बाहर आता है, एक मरतबा करंट अंदर जाता है बोर्ड के, अगली टर्न स्टार्ट होती है फिर अंदर आता है फिर बाहर आता है। इसको अगर मैं बोर्ड पर शो करूं तो ये ऐसे शो होगा। अब देखिए फाइव डॉट्स एंड फाइव क्रॉस है, इसका मतलब ये फाइव टर्न्स वाला सोलेनाइड है। देखिए यहां भी फाइव टर्न्स है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब अगर आपको इस चैप्टर का स्टार्ट याद रहा है तो आपको याद होगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखिए ये अगर एक कंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया था कि आप कंडक्टर को राइट हैंड पे ग्रैस्प करें, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, थंब करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड होंगी जो कि सर्कुलर होंगी, थंब करंट जो कि स्ट्रेट लाइन में है और ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड पुश करेंगी जो कि सर्कुलर है। ठीक है, अब देखिए ये तो राइट हैंड रूल है, थंब करंट और फिंगर्स फील्ड। अब एक इसका इनवर्स भी है, इसका उलट रूल भी है जिसको आप इनवर्स राइट हैंड रूल भी कहते हैं, जिसमें आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और थंब फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इनवर्स राइट हैंड रूल भी है और वो कुछ यूं है कि आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, देखिए यहां से ये नीचे से करंट अंदर जा रहा है, घूमकर ऊपर से बाहर आ रहा है। देखिए आप इसको राइट हैंड रूल बनाए, नीचे से करंट अंदर गया, क्रॉस कर इनटू द पेपर, डॉट मींस आउट ऑफ द पेपर, तो नीचे से करंट अंदर गया और ऊपर से करंट बाहर आ गया और ये थंब फील्ड है। अब उलट है, थंब फील्ड फिंगर्स करंट, यहां पर थंब करंट फिंगर्स फील्ड, इसे इस रूल को राइट हैंड रूल कहते हैं। तो अब यहां जो फील्ड होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू इनवर्स राइट हैंड रूल, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं फिर बता दूं कि ये फिंगर्स करंट है और थंब फील्ड है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है और मैंने आपको इस चैप्टर में पहले लेक्चर में बताया भी था कि इसकी फील्ड इस तरह बटरफ्लाई की तरह पहले होती थी, क्योंकि सबसे पहले हमने बार मैग्नेट की फॉर्म में मैग्नेट को कट किया, इसलिए उसकी फील्ड बटरफ्लाई से मिलती थी, इसलिए इसको बटरफ्लाई फील्ड भी कहा जाता था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है जैसे कि आप देख रहे हैं और मैंने मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन भी शो कर दी। अब देखिए जब मैं यहां शो करूं तो फील्ड ये इस तरह एक्सिस के पैरेलल है फील्ड की डायरेक्शन और ये विद इन द टर्न्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ये फील्ड विद इन द टर्न स्ट्रांग है, लेकिन जब ये बाहर निकलेगी तो वीक है। उसकी वजह ये है कि देखिए पहले 1000 फील्ड टाइम्स फर्स्ट करें 1000 फील्ड टाइम्स का पैदा हो वो पहले इतने से फास्ट करते थे और बाहर निकलते जब वो दूर दूर हो जाएंगी तो फील्ड दूर होगी तो फील्ड वीक हो जाएगी। यही बात यहां पर है कि सॉलिड के चारों तरफ फील्ड बाहर निकलेगी, मतलब ये बाहर ऐसे आएगी ग्रीन होगा लेकिन वो वीक हो जाएगी। अब देखिए बेटा यहां पर साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, आप देखो कैसे ये बार मैग्नेट पे फील्ड विद इन द बार मैग्नेट जो है वो साउथ टू नॉर्थ है, तो आप कह रहे हैं कि सॉलिड की फील्ड बार मैग्नेट की फील्ड से सिमिलर है, तो वहां पर भी यही होगा कि विद इन द टर्न्स साउथ टू नॉर्थ होगी और बाहर निकलकर नॉर्थ टू साउथ। अब आपको इन दो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। अब क्या आंसर मिला है कि सॉलिड की फील्ड जो है वो बार मैग्नेट की फील्ड से मिलती जुलती होती है और बार मैग्नेट की तरह ये विद इन द टर्न साउथ टू नॉर्थ होती है और स्ट्रॉन्गर होती है और आउटसाइड का सॉलिड आउटसाइड का बार मैग्नेट की तरह वीक होती है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने भी आपके सामने शो कर दिया है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सॉलिड की फील्ड डायरेक्शन एक्सिस ऑफ सॉलिड के पैरेलल होती है। देखिए ये पैरेलल है। अब आखिरी सवाल है कि इस फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आप एम्पीयर्स लॉ यूज करते हैं और एम्पीयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक इमेजिनरी क्लोज पाथ लेना पड़ता है। तो यहां पर आपने एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ लिया है जो मैंने आपके सामने रेड कलर से शो कर रहा हूं कि ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर
क्लोज पार्ट है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। दोबारा से नजर इसको बना लू आपकी, फील्ड साउथ नॉर्थ इस डायरेक्शन में। अभी जो रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ है ये यहां से फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, ए से बी आप जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं, और फिर सी से डी जा रहे हैं, और डी से वापस सी जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्लोज पाथ किस शेप को होना चाहिए, जिस शेप की फील्ड है। अगर सर्कुलर फील्ड हो तो आप क्लोज पाथ भी अमूमन सर्कुलर लेते हैं, अगर फील्ड स्ट्रेट लाइन से हो तो आप ऐसा क्लोज पाथ लेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बताया था कि एम्पेयर्स लॉ से आप फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक मैग्नेटिक क्लोज पाथ लेते हैं जिसे एम्पीरियल पाथ भी कहते हैं। फिर इस क्लोज पाथ को मुख्तलिफ वेक्टर लेंथ्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लीजिए ए से बी तक जो वेक्टर लेंथ है दैट इज डेल्टा एल वन। सिमिलरली बी से सी तक जो वेक्टर लेंथ है दैट इज डेल्टा एल टू, और सी से डी तक जो वेक्टर लेंथ है वो डेल्टा एल थ्री है, और ये डी से लेकर डेल्टा एल फोर है। तो आपने इमेजिनरी क्लोज पाथ लिया, आप उसको वेक्टर लेंथ में डिवाइड किया, क्लोज पाथ को वहीं वापस आए जैसे ये एरर शो कर रहे हैं। फिर एम्पेयर्स लॉ क्या था, क्या पूरे क्लोज पाथ पर फील्ड और वेक्टर लेंथ का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेकर अगर सिग्मा करें, सम करें, इसको आप जानते हैं कि सिग्मा कहते हैं सिंबल को, तो वो इक्वल होगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय या टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन फ्लो का पाथ, म्यू नॉट सिर्फ उस पाथ के अंदर कितना करंट है। देखिए मैंने करंट इन द पाथ नहीं कहा, करंट इनक्लोज बाय पाथ, इन द पाथ कोई करंट नहीं है। आप कह सकते एरो करंट्स नहीं है, ये बड़ा एरो जो है ये वेक्टर लेंस है, ये करंट्स नहीं है, करंट तो पाथ के अंदर है, और पाथ के अंदर यानी सॉलिडाइड की टर्न्स के अंदर करंट है। पाथ के अंदर जो कंडक्टर है सोलेनाइड है उसके अंदर कितना करंट है, ये म्यू नॉट मैंने आपको बताया था परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, या फिर परमियबिलिटी मतलब परमिशन कि उस मीडियम ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की कितनी परमिशन दी है। अगर यहां पर सोलेनाइड का कोर एयर है तो एयर कितनी परमिशन दे रहा है फील्ड लाइन को गुजरने के लिए। अगर आपने सोलेनाइड को आयरन के ऊपर गौर किया हुआ है और आयरन कोर है तो आयरन कोर आप सीखेंगे चैप्टर 17 में से कि आयरन कोर में से गुजरकर फील्ड स्ट्रेंथन हो जाती है और फिर उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, मेरी फील्ड को परमिशन ज्यादा मिली है इससे फील्ड ताकतवर होती है। अब देखिए अगर आप इस सिग्मा को खोलेंगे यानी ओपन करेंगे तो बी डॉट डेल्टा एल वन प्लस सिग्मा को प्लस बी डॉट डेल्टा एल टू बी डॉट डेल्टा एल थ्री प्लस बी डॉट डेल्टा एल फोर इज इक्वल टू नॉट टाइम्स का करंट इन क्लोज बाय पाथ। अब देखिए डेल्टा एल वन इस डायरेक्शन में है, फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप गौर से देखें तो डेल्टा एल वन और फील्ड में जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, तो फील्ड भी इस डायरेक्शन में है डेल्टा, तो ये कॉस जीरो हो जाएगा। डेल्टा एल टू अपवर्ड है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, फिर एंगल 90 होगा। अब डेल्टा एल थ्री इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 होगा, इसलिए बी डेल्टा एल थ्री कॉस 180। डेल्टा एल फोर इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल 90 डिग्री होगा और इक्वल टू म्यू नॉट इन करंट इन क्लोज बाय पाथ होगा। अब देखिए cos 90 जीरो होता है, लिहाजा ये जीरो हो गया, ये cos 90 भी जीरो होता है, लिहाजा ये भी जीरो हो गया। अब ये cos 180 माइनस 1 है, डेल्टा एल 3 इधर फील्ड है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो डेल्टा एल 3 यहां आपने लिया है, ये जो साइड आपने यहां लिया वो फील्ड से आउटसाइड है, वहां फील्ड ही नहीं है, यानी इस जगह पर जहां पर डेल्टा एल 3 है और फील्ड जीरो है, तो एंगल जो मर्जी हो अगर फील्ड यहां पर जीरो है तो ये बेटा जीरो हो जाएगा और सिर्फ बी डेल्टा एल वन बचेगा क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। इस तरह ये क्वेश्चन बन गई बी डेल्टा एल वन इक्वल टू नॉट इन टू करंट इन क्लोज बाय पाथ। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस इमेजिनरी क्लोज पाथ के अंदर जो सोलेनाइड की टर्न्स है उसमें कितना करंट है, तो सोलेनाइड की टर्न्स है उसमें कितना करंट है, करंट इन क्लोज बाय पाथ इन द पाथ में। अब देखिए लेट अस सपोज, आपको पता ही है यूनिटी रूल चलता है फिजिक्स में, इकाई का कायदा कि जो बात एक के लिए दुरुस्त है वो एक से ज्यादा के लिए दुरुस्त है, तो फिर यूनिटी रूल चलाते हैं, लेट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनाइड इन यूनिट लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू n, देन ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनाइड पर यूनिट लेंथ या इन यूनिट लेंथ है। अब देखिए
आपको यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चाहिए, आपको वो टर्न्स चाहिए जो पाथ के अंदर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इस डेल्टा एल वन लेंथ में जितनी टर्न्स आएंगी वो टर्न्स होंगी जो पाथ के अंदर आ रही है, तो इसलिए आपको पाथ के अंदर वाली टर्न्स यानी इतनी लेंथ के अंदर वाली टर्न्स चाहिए। तो देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सॉलिड इन डेल्टा एल वन लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू एन डेल्टा एल वन। लेकिन ये जो टर्न्स आपने निकाली है वो इतनी लेंथ में जो टर्न्स आएंगी सॉलिड, तो इतनी लेंथ में जो टर्न्स होंगी वो तो वो टर्न्स होंगी जो पाथ के अंदर है, लिहाजा ये एन डेल्टा एल वन इक्वल है टर्न इन क्लोज द पाथ। अब फर्ज कीजिए कि सॉलिड की एक टर्न में, सॉलिड की एक टर्न में जो करंट है वो आई है, तो इतनी टर्न्स में कितना करंट होगा, इधर भी एन डेल्टा एल वन से मल्टीप्लाई करें इधर भी एन डेल्टा एल वन से, तो इतनी टर्न्स में कितना करंट होगा। लेकिन ये तो वो टर्न्स है जो पाथ के अंदर है, लिहाजा ये करंट भी वो करंट है जो पाथ के अंदर यानी इनक्लोज है। तो ये आपके पास करंट इनक्लोज में पाथ आ गया एन डेल्टा एल वन आई। अब आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दें क्वेश्चन मार्क में एन डेल्टा एल वन आई, तो क्वेश्चन मार्क क्या बनेगी, लेफ्ट साइड वही रहेगी बी डेल्टा एल वन इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट इनक्लोज में पाथ की जगह देखिए एन डेल्टा एल वन आई। अब देखिए दोनों तरफ से कैंसिलेशन हो रही है डेल्टा एल वन की और ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हमें ये पता लगा कि फील्ड तीन बातों पर डिपेंड करती है, नंबर एक के मीडियम या कोर का मीडियम क्या है, ये सॉलिडाइड जिस मीडियम पर बाउंड है उसकी परमेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिडाइड पर डिपेंड करती है, और करंट इन वन टर्न ऑफ सॉलिडाइड पर डिपेंड करती है। अब अगर और से देखें तो पाथ का इस फॉर्मूले में कोई जिक्र नहीं है, तीन लेंथ पाथ की तो पहले कैंसिल हो गई और चौथी लेंथ भी कैंसिल हो गई, इसका मतलब पाथ एक इमेजिनरी चीज थी जिसका मकसद सिर्फ फॉर्मूला होना। अब कई बच्चे पूछते हैं कि आपने ये साइड बाहर क्यों ली है, आप ये साइड इस तरह ये बाहर लेने की बजाय क्या आप ये साइड इस तरह अंदर नहीं ले सकते, जैसे कि मैं अभी आपको लेकर दिखा रहा हूं इसलिए ऐसे भी लिया जा सकता था, और ये देखें ये सी और ये डी और ये डेल्टा एल टू और ये डेल्टा एल थ्री। बेटा देखिए इस तरह इसलिए नहीं लिया जा सकता था क्योंकि इस पाथ के अंदर करंट इनक्लोज जीरो हो जाता था, देखिए क्रॉस और डॉट का करंट पाथ से बाहर हो जाता था, लिहाजा करंट क्लोज में पाथ जीरो हो जाता था, आप एम्पीयर्स का अप्लाई करके फील्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक और भी ऑप्शन लोग कहते हैं कि सर अगर आप ये वाली साइड भी ऐसे बाहर ले लेते हैं और नीचे वाली साइड भी बाहर ले लेते हैं तो फिर भी एम्पीयर्स का नहीं लग सकता, क्योंकि देखिए जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं पाथ में से और फिर एम्पीयर्स आएंगे। अलबत्ता अगर आप ये वाली साइड अंदर ले लें और इसको बाहर ले लें तो फिर एम्पीयर्स का लग सकता था और आंसर यही होगा। मेरे आपसे दो सवाल हैं, नंबर एक कि क्या सॉलिनाइड सिर्फ सिलेंड्रिकल कॉइल ही होता है या किसी और शेप का भी हो सकता है, दूसरा सवाल यह है कि लेंथ ऑफ सॉलिनाइड को इस डायमीटर ऑफ टर्न ऑफ सॉलिनाइड से ज्यादा क्यों होना चाहिए, यानी ये लेंथ ऑफ सॉलिनाइड जो है ये इस डायमीटर से ज्यादा क्यों होना चाहिए। आप इन दो सवालों का जवाब तलाश कीजिए, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।